नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज दिनांक 16/12/2021 दिन गुरुवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बागबेड़ा में विजय दिवस का सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार सिंह जी ने 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को किस तरह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का गठन हुआ, इसके बारे में बताया। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि वासुदेव आचार्य विद्या भास्कर जी ने कहा कि साधु एवं सैनिक का जीवन एक ही तरह होता है। साधु और सैनिक दोनों त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं, दोनों त्यागी का जीवन जीते हैं तथा दोनों ही राष्ट्रीयता के विचार को आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में भारतीय जल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राजीव रंजन सिंह जी, स्थल सेना के श्री दिनेश सिंह जी, अखिल भारतीय हिंदू पीठ के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रंजन कुमार राय, विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी, विद्यालय के आचार्य दीदी जी तथा भैया बहन उपस्थित थे। हम कौन है मन? इन ग्यारहों की जो भी एक्टिविटीज है, इनका जो मूवमेंट है, वही धर्म है। विद्यालय के लोगों के साथ टेंटों में रहने का अनुभव हुआ कि एक सैनिक कैसे जंगल में टेंट बना के रहता है, उस तरह की व्यवस्था का अनुभव हुआ। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में होगा कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। कई लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कई लोग इंजीनियर बनना चाहते होंगे, हमको लगता है कि उसमें से कुछ लोग सेना में भी ज्वाइन करना चाहते होंगे। और क्योंकि आजकल महिलाओं के विजय दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और भैया बहनों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे छात्रों से उनके भविष्य के लिए? मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि अपने आप भी सेना में जाएं, अपने देश के लिए जिए, सभी में देशभक्ति पैदा हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।